इमेजिन वेलकम थ्री में यहाँ पे सारे एनपीसीज कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट, लेकिन इनको नहीं पता कि यहाँ पे एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है। बाकी ये बॉम्ब कब, किसने और क्यों लगाया और क्या फ्रैंकलिन सारे एनपीसीज को बचा पाएगा या फिर। तो आज है इंडिपेंडेंस डे और इंडिपेंडेंस डे की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ज्यादा बधाई। और यार आज इसी मौके पे फ्रैंकलिन का भाई पूरे फॉरेन से वापस आ रहा है और भाई फ्रैंकलिन जा रहा है अभी उसको लाने के लिए। भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रैंकलिन का भाई फॉरेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और फ्रैंकलिन इंडिया में इंडियन आर्मी में है। बाकी फिलहाल के लिए फटाफट से चलते हैं भाई एयरपोर्ट पे एंड लेके आते हैं फ्रैंकलिन के भाई को। एंड एयरपोर्ट अपने घर से ज्यादा दूर है नहीं, बस जरा सा नजदीक में है सामने, लेकिन हम लोगों को वहां पे भी जाना ही पड़ेगा। और अपने भाई को लाने के लिए फ्रैंकलिन लेके आया है फॉर्च्यूनर। तो भाई फटाफट से चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। ऑलराइट, तो फाइनली यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर को पार्क कर देते हैं। बाकी यहाँ पे तो यार कोई दिख क्यों नहीं रहा भाई। यहाँ पे प्लेन लैंड हुआ भी है क्या भाई, या फिर मेरे को लगता है फ्लाइट लेट हो गई होगी। लेकिन मेरे को क्रू से पता करना पड़ेगा कि आखिरकार हुआ क्या है भाई। लेकिन पता कैसे करूं भाई, कोई आसपास दिखे तब तो मैं किसी से पूछूं भी। यार क्या सीन हो रहा है ये, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, लेकिन फ्लाइट का टाइम भी हो चुका है और कोई क्रू है भी नहीं यहाँ पे फ्लाइट को लैंड करवाने के लिए। बाकी दूसरी तरफ सिटी वाले भी अपना इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनको भी इंडिपेंडेंस डे जल्दी से जल्दी सेलिब्रेट करना है। लेकिन फ्रैंकलिन अपने भाई के बिना इंडिपेंडेंस डे कैसे मना सकता है भाई। आज पूरे 5 साल बाद उससे मिलने वाला था, लेकिन लगता है कहीं पे कोई दिक्कत हो गई है भाई। पहले मेरे ख्याल से मेरे को चेक करना पड़ेगा भाई कि आखिरकार सीन हुआ क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं भाई पुलिस स्टेशन, क्योंकि वहीं पे जाके हम लोग को पता चल सकता है कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे। तो चलो भाई फटाफट से चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और चलते हैं फटाक से पुलिस स्टेशन। और तो यार अभी हमको एक अलग टेंशन हो चुकी है कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है सिटी में, क्या सीन हुआ है। लेकिन अगर फ्लाइट के लैंडिंग वगैरह में कोई दिक्कत हुई होगी या फिर टाइम आगे पीछे हुआ होगा तो शायद पुलिस वाले हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन भाई ये सब सोल्व होंगे अभी पुलिस स्टेशन जाने के बाद। शायद हम लोग को गाड़ी को पार्क ही करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं इसको पार्क कर देता हूं। यार पुलिस स्टेशन भी पहुंचने वाले हैं, पुलिस स्टेशन कोई ज्यादा दूर नहीं भाई, एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक में ही है, तो अपनी गाड़ी को यहीं पे लगा देते हैं भाई। होल्ड ऑन भाई, अभी चलते हैं भाई पुलिस वालों के पास एंड पूछते हैं भाई आखिरकार हुआ क्या है, दिक्कत क्या है भाई। आज इतने बढ़िया दिन के ऊपर ये साले पूरा का पूरा मूड खराब करके ही मानेंगे, लेकिन देखते हैं भाई क्या है यहाँ पे सीन सपाटा। ये रहा पुलिस वाला, इसी से बात करते हैं चल के फटाफट से। ऑलराइट, तो मैंने इसको अपनी प्रॉब्लम तो बता रही है और ये बोल रहा है कि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है और ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। क्या शेयर नहीं कर सकते, उस प्लेन में मेरा भाई है भाई। देखिए मैं आपको समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप भी कोऑपरेट करने का ट्राई कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका भाई जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए। कोशिश करेंगे से आपका क्या मतलब है? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा मैं ये आपको नहीं बता सकता। एक्सक्यूज मी, मैं भी आर्मी में कमांडो हूँ, प्लीज शेयर कीजिए क्या बात है। देखिए आप आर्मी में है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप शायद ये चीज समझ पाएंगे कि कुछ आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक कर लिया मतलब? देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हमारी पुलिस फोर्सेस काम में जुट चुकी है और शाम तक आपके भाई और बाकी पैसेंजर को भी छुड़ा लिया जाएगा। अरे वो कोई डिज्नीलैंड घूमने नहीं गया जो इतनी आसानी से छुड़ा लोगे। आप मेरे को बताओ अभी तक आपको उनके बारे में क्या क्या पता चला है? अभी तक तो इतना ही पता चला है कि उन्होंने सभी को किडनैप करके क्लॉक टावर में रखा हुआ है। क्लॉक टावर? अरे अरे सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी जान को वहाँ पे खतरा हो सकता है। डोंट वरी ऑफिसर, वो सब मैं देख लूंगा, ऐसे खतरों से खेलना मेरा रोज का ही काम है। ऑलराइट भाई लोग, तो मेरे को पता चला है कि कुछ आतंकवादियों ने हमारे भाई को और बाकी पैसेंजर्स के साथ साथ पूरे प्लेन को ही हाईजैक कर लिया है। और मेरे को लग ही रहा था भाई कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि अभी तक प्लेन भाई आया नहीं, ये हो नहीं सकता था। बाकी फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ भाई क्लॉक टावर उन आतंकवादियों को मजा चुकाने। ऑलराइट, तो फाइनली हम लोग क्लॉक टावर पे पहुंच ही चुके हैं। और वो रहा क्लॉक टावर भाई, ये काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन यहीं पे आके सालों ने अपनी मौत को बुलाया है। बाकी फटाफट से चलते हैं यार क्लॉक टावर। एंड भाई मेरे को पता नहीं है वहाँ पे कितने बंदे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा हम लोगों को भी। बाकी अभी अपनी गाड़ी को लगा देते हैं यहीं पे एंड मैंने गन उठा ली है। एंड लेट्स गो भाई, अभी चलते हैं फटाफट से क्लॉक टावर के अंदर एंड देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ पे। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए तो मेरे को सब कुछ सही लग रहा है और शायद यहाँ पे ऊपर कोई बंदे हैं और वो बात कर रहे हैं। आई गेस यहाँ पे कोई है भाई, शायद ये गैंग मेंबर्स है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, इनकी बातचीत को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन मेरे को ध्यान से ही जाना पड़ेगा। आई डोंट नो भाई ऊपर कितने ज़्यादा बंदे होंगे, लेकिन जो भी हो भाई हम लोग को घुसना पड़ेगा अंदर। और इन सभी के पास गन नहीं भाई, इन सभी के पास गन नहीं है, ये साले नंगे पंगे खड़े हैं यहाँ पे, यही सबसे बढ़िया मौका है इनको मारने का। ये साले तेरी तो, बाकी यहाँ पे भी बंदे हैं और भाई दूसरी साइड में एक बंदा खड़ा है, रुक जाओ इसको भी मारते हैं, लेकिन इनको शक नहीं होना चाहिए भाई। और ये ले, ऑलराइट ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी लाशें बिछा दी हैं, लेकिन ये भाई वो गैंग मेंबर से जो सिर्फ हाथों से लड़ते हैं, अभी मेरे को गन वालों से भी फाइट करनी पड़ी। और ये भाई एक बच गया था, इसको मैंने मार दिया। ऑलराइट भाई, इनको गोलियां मार देता हूँ, क्या पता ये उठ जाए बाद में। बाकी अभी मेरे को यहाँ पे और कोई तो दिखाई दे नहीं रहा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वो तो थे प्रोफेशनल रेसलर और वो सामने रहे भाई स्नाइपर्स, रुक जो इनका भी काम करते हैं, स्नाइपर्स को स्नाइपर से ही मारूंगा भाई।
एक दो तीन तीन स्नाइपर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। और भाई इन्होंने मेरे पे फायरिंग चालू कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, इनकी गोली मिस हो रही है लेकिन मेरी नहीं होगी भाई। और भाई तो एक बंदे को मैंने गोली से मार दिया और दूसरा शायद नीचे गिरने की वजह से मर गया, और तीसरा वो रहा जो कि अभी तक रीलोडिंग पे ही लगा हुआ है। लेकिन इसका भी हम लोगों ने गेम बजा दिया, बाकी फिलहाल के लिए तो अपना रास्ता क्लियर है। हम लोगों ने लगभग सभी को ही मार दिया है एंड आई गेस अभी दो तीन या चार बंदे और होंगे, और अभी तक तो मेरे को NPCs भी नहीं मिले कि वो कहाँ पे हैं, तो एक आध बंदे से तो मेरे को शायद पूछना पड़ेगा। बाकी फिलहाल के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी लाशें बिछा दी हैं और अभी चलते हैं ऊपर, एंड ऊपर भी मेरे ख्याल से भाई दो तीन बंदे तो होंगे कम से कम। और आई गेस यहाँ पे भी ऑल राइट, तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, अभी मेरे को नहीं पता ये सिर्फ अकेला है या फिर इसके साथ कोई और भी है, लेकिन जो भी हो भाई देखा जाएगा। और ये सारा मेरे पे अटैक करने वाला है तेरी तो। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए तो हम लोग काफ़ी सही जा रहे हैं एंड आई गेस अभी एक दो बंदे और हैं, लेकिन अभी दिक्कत वाली बात ये हो चुकी है कि मेरी गन में एमो नहीं है। और आई गेस यहीं पे भाई अपने NPCs भी यहीं पे हैं, यहीं से। ऑलराइट भाई लोग, तो ये साले कलवे ने इनको पकड़ के रखा हुआ है और इसने मेरे को देख लिया, तेरी तो साले ये ले। और तो फाइनली हम लोग को NPCs भी मिल चुके हैं और हम लोगों ने इन सभी को मार दिया, और फ्रैंकलिन का भाई भी हम लोग को मिल चुका है। यार मेरे को अभी पता चला है कि सिटी पे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे होने वाला है, वहाँ पे इन सालों ने टाइम बॉम्ब लगा दिया है, तो इसलिए फटाफट से मैंने सारे NPCs को गाड़ी में बिठा लिया है एंड फटाफट से चलते हैं अभी भाई इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन वाली जगह पे, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आने वाली है, तो इससे पहले कि कोई वहाँ पे जाके उस टाइम बम के ब्लास्ट से मारा जाए हम लोग को वो टाइम बम डिफ्यूज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ से यार अपनी सिटी तो ठीक ठाक ही दूर है, इसलिए मेरे को गाड़ी को बहुत ही ज्यादा तेजी से चलाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो फाइनली हम लोग सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं एंड थोड़ी देर में सेलिब्रेशन भी चालू होने वाला है, तो हम लोग को फटाफट से इस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर मैं देखूं तो भाई ये रहा टाइम बॉम्ब, चलो फटाफट से इसको उठाते हैं एंड निकलते हैं भाई यहाँ से। चलो 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 फटाफट से मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ एंड चलते हैं यहाँ से बहुत दूर और इस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं, और डिफ्यूज करने में अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो भाई दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं इस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं करने वाला, पानी के अंदर दूर फेंक देते हैं इसको। तो ये मैंने टाइम बॉम्ब को फेंक दिया है पानी के अंदर, और ये भाई एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट हुआ है। बाकी फाइनली यार हम लोगों ने सारे NPCs को बचा लिया है, इसी बात पे वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, ताकि आप लोग को ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे।